चौकीदार तो कहाँ रहता है? ऐसे वैसे घूमता रहता है? ऐसे वैसे नहीं घूमता हूँ। फिर क्या कर रहा है? करने का क्या, ये कमरे की सफाई कर रहा था। कमरे की सफाई कर रहा था या घूम रहा था? नो 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 नो, तनख्वाह लेने के लिए दीवान साहब, दीवान साहब हमारी तनख्वाह। अरे दीवान साहब, आप तो ऐसी बातें करते हैं कि थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आ जाते हैं। देवार साहब बेड़ी कोड़ी बात सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सर, सॉरी सॉरी नहीं साले बकरी। क्या बात है? सर बात एक है। क्या? मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल सर। अगर तमाकू माकू हो तो सर खिलाइए। भाई साहब ये तुमका सही सही मारे कर रहा तो बता दिए कर रहा। ये बता तुम्हारा बेल्ट काहे खुल जा। ऐसे ही ड्यूटी करोगी? क्या पुलिस फोर्स में भर्ती हो गई हो? मुस्का के बात करोगी तो मुजरिम तुमसे डरेंगे। तमाकू मांगने चला है? मेरे से बताया होता मैं तेरे को तमाकू खिलाता। दीवान साहब लगता है बड़े साहब की जीप आ रही है। अरे हाँ लग रहा सब है। सब लोग तैनात हो जाओ क्योंकि बड़े सर का आने का वक्त हो गया है। ओके सर, ओके ओके बैठिए। ये सर चौकीदार। यस सर। क्या बातें हो रही हैं? कोई बात नहीं है सर। हमारे ये जो दीवान साहब है ना। दीवान साहब कौन सी बातें हो रही हैं? ये जो है ना चौकीदार, ये काम करने में पीछे रहता है, ड्यूटी में हमेशा पीछे रहता है। तनख्वाह के लिए हाथ फैलाता है कि सर हमारी तनख्वाह आएगी नहीं, ये ऐसा काम करता है। चौकीदार सरासर। ये क्या है सरासर बे? यस सर। ऐसे बोल या तो बोला करो सर या कहिए सर। ये बता ड्यूटी में इतनी लेट क्यों आता है? सर ये दीवान साहब सर अपने क्या बोल रहा है? दीवान साहब, दीवान साहब सर रुकिएगा। दीवान साहब, दीवान जी ये थाने में बदतमीजी बहुत करता है। ये थाना है कोई कमरे खाना है? बदतमीजी मत करो। दीवान साहब लड़कों के लेडीज के बीच में मत आइए, लेडीज का मामला है। चौकीदार कहिए सर। देखो ड्यूटी पे अपनी समय से आया करो, समय से जाया करो। समय से आता हूँ, समय से जाता हूँ सर। हाँ। लेकिन ये देवार साहब सर बहुत गलत काम करते हैं अपने हल्के में। शट अप। देवार देवार बोलता पागल कहीं का। वो दीवान दीवान नहीं आता, दीवान साहब सर। हाँ ऐसे बोल। ये अपने हल्के में बहुत गलत काम करते हैं। हल्के में? हाँ सर। क्यों दीवान साहब? ये सर अपने हल्के में जाते हैं, दारू बनवाते हैं और महुए का हरा पेड़ भी कटवाते हैं। ये सब बहुत गलत काम करते हैं। और 150 ग्राम हल्के में जाते हैं तो पी भी लेते हैं। क्या दीवान साहब?
अपने हलके में जाते हो, शराब बनवाते हो और पीते हो? नो सर, कानूनन जुर्म है ये। सर मैं जानता हूँ, इसीलिए मैं शराब बनवाता नहीं हूँ सर, मैं खुद बनाता हूँ। क्या बनते हो तुम? सर इसलिए बनाता हूँ, हमारे यहाँ जो नात रिश्तेदार आते हैं सारे शराब पीने को नहीं पाते, कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार थाने की दीवार है, वो जो साले दारू नहीं पद में तो ही नहीं करते हैं सर। यू शराब ओके सर, रह गई सर हरे पेड़ कटाने की बात। मैं कोई खास पेड़ नहीं कटाता हूँ, केवल महुआ के हरे हरे पेड़ कटवाई दे। नहीं, पेड़ कटवाना कानूनन जुर्म है, शराब बनाना कानूनन जुर्म है, शान के खिलाफ काम मत करो। इनसे पूछ लो वो किस लिए कटवाते हैं। हाँ बोलो, क्यों किस लिए कटवाते हो? मैं महुआ के पेड़ इसलिए कटवाता हूँ कि साले महुआ के पेड़ रहेंगे नहीं, महुआ गिरेगा नहीं तो साले पासी दारू बनाएंगे। सारी दुनिया के तुम मऊ का पेड़ खत्म कर दोगे? सर जहाँ देखो थाने में कंप्लेन आती है, इस गांव में शराब बनती है, उस गांव में शराब बनती है, मऊहा की देसी शराब बनती है। अगर शराब बनती हो तो उसे छानबीन करो। सर कहाँ तक करे, हम लोग तो किया कड़ी से कड़ी कार्रवाई करो। यस सर। तुम जानते हो कि ये कानून की वर्दी किसने पहन रखा है? जी सर, ठंडी के लिए पहने हैं सर, ठंडी के लिए। ठंडी नहीं साले, पागल कहे क्या? कानून की वर्दी ठंडी के लिए पहन रखा है? यस सर, देश की रक्षा करने के लिए ये कानून की वर्दी पहन रखा है। हाँ सर, देश के रक्षक के लिए सर। देश का रक्षक बन के दिखाओ, समझ रहे हो? ओके सर। तुम जानते हो ये कुलदीप इंस्पेक्टर जब से आया इस इलाके में, जितने भी इस इलाके में माफिया क्रिमिनल आज वो इस जेल के सलाखों के पीछे अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अगर तुम सबों की नजर में कोई क्रिमिनल, कोई माफिया नजर आता है, उसे फौरन बताओ, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ओके सर, बिल्कुल एकदम बैठिए सर। चलो पूरी तैयारी कर लो, हलके पे चलना है अभी। यस सर। देवास साहब आप भी बैठिए। वो सर 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 इनको बैठिए, हमको खड़े रहने दो। और जब हो गया सरकार सारी तिजोरी लूट ले जाए तो कोई दुख तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्या कह रहे हैं मेरे बताने से आपके समझ में नहीं आया। और कहो ठाकुर जी कैसे आना हुआ, ठाकुर जी कैसे
अभी तक तुम्हें समझ नहीं पाया आपकी बातों को, आपको आप क्या बताना होगा? कैसे हम उठाना हुआ अभी मैं आपके बातों को समझ नहीं पाया इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ? मैं बहुत बौखलाया हूँ, बहुत घबराया हूँ। ये जो कुछ मैंने बताया वो समझ में नहीं आया। अगर आपके देश खत को पढ़ लीजिए, इसमें सब लिखा है साहब। तब देखिए सर, ठाकुर कमलकांत सिंह तुम्हें दुश्मनी का नमस्कार करता है। आपका जानी दुश्मन डाकू दुर्गा सिंह तुम्हारे धन दौलत को लूटा नहीं जाएगा, आपकी बेटी शर्ता को उठाकर ले जाऊंगा। रात 12 बजे तुम्हें जितनी पुलिस फोर्स बुलानी हो तो बुला सकते हो। आपका जानी दुश्मन डाकू दुर्गा सिंह। रात 12 बजे को उसने धमकी दिया है अगर मेरी बेटी को उठा ले गया। ठाकुर साहब, मैं दुनिया में मुंह कैसे दिखाऊंगा? नहीं ठाकुर साहब, आप घबराइए नहीं। इतना बड़ा वो डाकू नहीं है जो कि इतनी बड़ी चुनौती देकर तुम्हारी बेटी को तुम्हारे घर से उठा ले जाएगा। हमेशा नहीं होने देंगे। कुछ भी कीजिए सर, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। नहीं तो हम रही आदमी है, हम इज्जतदार लोग हैं, हमारी बहुत इज्जत हो जाएगी। ठाकुर साहब चलिए, हम लोग आपके हवेली पर आ रहे हैं। आज अगर पूरी फोर्स का मेरा था ऊपर 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 फोन कीजिए ना और फोर्स बढ़वा लीजिए। ठीक है, आज जल्दी आना था। चलिए चलिए साहब, चलिए। दीवान साहब पुलिस फोर्स ले लो साथ में, ठाकुर साहब की हवेली भी चलो, चारों तरफ पहरा लगाओ। गोली मार दिया जाए, कुछ सोचना समझना नहीं है। ऐसा ही होगा सर, फुल तैयारी में चलो। चौकीदार तुम्हें भी चलना है, देख रहे हैं कितनी बड़ी चुनौती दे गया है, खत दिया है। आओ मेरे साथ। पुलिस वालों को चुनौती दिया है, चुनौती बे पागल साला कहीं का है, मतलब चुनौती नहीं। आपके सामने डिपार्ट डिपार्ट को पेला जा रहा है, उल्टा उल्टी बातें कर रहा है, तभी तो बात करने का समय नहीं है। चलो ओके दीवार साहब, चलिए दीवार साहब पुलिस फोर्स तैयार करो। चलो ठाकुर साहब की हवेली। मैं दारू बनवाता हूँ, मैं हरे के पेड़ कटाता हूँ। कौन से बिरादर हो दीवान? तू भी तो साले उसी में से खाता पीता है, मेरी तो है नहीं कर। हाँ।
इंडिकेटर, अरे वो इंडिकेटर कहाँ मर गया सारा ये। पूछ लो किसी तरीके, कोई दिक्कत ठाकुर साहब आप आगे गए, चिंता नहीं करिएगा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि चारों तरफ पुलिस मंडरा रही है, गश्त लगा रही है। इंस्पेक्टर साहब आप लोग अरे कुर्सी ले, कुर्सी ला के बैठने का इंतजाम कर। आप साहब हमें लेकिन चारों तरफ पुलिस फोर्स आप तैनात कर दीजिए। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है, पुलिस चारों तरफ मंडरा रही है, मंडरा रही है। क्या कर रही है क्या कर रही है चौकीदार, खत कहीं और देता है, डकैती कहीं और डालता है, कहां पे आया है दुर्गा सिंह? दुर्गा सिंह गांव में, गांव के अंदर आ गया है साहब, जल्दी जाए, उस टोला में पहुंच गया है। अरे अरे ये बताओ किस गांव में, किस गांव में? अरे किस गांव में जहां पर तुम अपना पहरा लगाए हो ठाकुर साहब, जमींदार के यहाँ लगाए हो, उस तरफ चमक टोलिया में डकैती पड़ी है। ठाकुर साहब दुर्गा सिंह ने मुझे धोखा दिया है, कहीं और देता है, डकैती और कहीं डालता है। आप ठहरिए मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं जाओ, आप कहीं मत जाइए, मेरी हवेली भी रहिए, आप कहीं मत जाइए, ठहरिए मैं आ रहा हूँ। अरे नहीं जाओ, मैं मेरी बात सुन लो। होशियारी मत करना वरना मेरे आदमी तुम्हारे हवेली के चारों तरफ लगे हुए हैं। इसलिए सत्ता कहाँ है? दुर्गा देवी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ और पैर पड़ता हूँ। सरकार को बुलाओ, मेरी किसानी की सारी रकम ले जाओ, धन दौलत मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी बेटी को छोड़ दो। दुर्गा सिंह कमलकांत, मैंने पत्र में लिखा था कि धन और दौलत की मुझे आवश्यकता नहीं है, शर्ता कहा है बुलाओ वरना गोली अंदर। वो हवेली में आज नहीं है,
पहली के घर गई है। जल्दी बुलवाओ नौकरों से। बुला साले चमचों को। मेरी बेटी को छोड़ दो। अच्छा है, मौका अच्छा है, तुम दबा के इस लड़की को उठा कर ले चलो। होशियारी मत करना, इधर खड़े हो जाओ। शर्ता तुम्हें मेरे साथ मेरे अड्डे तक चलना होगा। अगर सीधे नहीं जाओगी तो पहले कमल खान तो मौत के घाट उतार दूंगा। कहा था ना कि दुर्गा सिंह जो कहता है उसे अवश्य करता है। जा रहा हूं। कमल कांत की बेटी को आओ आगे साहब, मेरी बर्बादी का तमाशा देखने। क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हैं? वही जो होना था। तुम कहते थे कि डाकू दुर्गा सिंह मुझे धोखा दे रहा है। धोखा तो उसने मुझे दिया है और तुम्हें दिया है। वो आकर मेरी हवेली से मेरी आंखों के सामने मेरी बच्ची को उठा कर ले गया। नहीं, और मैं कुछ नहीं। चौकीदार, पुलिस फोर्स ने उसका पीछा करो। आ मेरे साथ। इंस्पेक्टर ठाकुर साहब, घबराइए कि नहीं। इंस्पेक्टर, अगर 24 घंटे तक मैं इंतजार करूंगा आपका। अगर मेरी बेटी सही सलामत मेरी हवेली पे ना आई ना, तो मैं अच्छी तरह ढूंढना जानता हूँ। ठाकुर साहब आप घबराइएगा नहीं, चिंता नहीं करिएगा, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। चलो भारो उसका पीछे करो। तूने मेरे बेटे को उठाकर अच्छा नहीं किया है। अगर इसके बदले में मैं तुझे दुनिया से ना उठाला तो अपने आप को ठाकुर कमल कांत सिंह नहीं कहलाऊंगा।